आज हम करने वाले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा। देखिए, नासिक से लगभग 30 या 35 किलोमीटर की दूरी है ब्रह्मगिरी पर्वत, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पास ये स्थान है। तो अभी हम चल रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर, देखिए चढ़ाई कर रहे हैं। ये अभी नीचे का जो ट्रैक है, ये रास्ता तो अभी ठीक है, बिल्कुल सुबह सुबह। देखिए अभी हमें कोई और लोग हमारे देखिए आसपास दिखाई नहीं दे रहे। अभी नीचे की जो सीढ़ियाँ फिलहाल ठीक है, बाकी आगे का रास्ता देखते हैं कैसे। ब्रह्मगिरी पर्वत ये वही स्थान है, मैं आपको बता दूँ, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। और जब गोदावरी नदी समुद्र की तरफ बढ़ रही थी तो सभी देवताओं में जो है खलबली मच गई थी। तो महादेव जी ने अपनी जटाओं को इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर पटका था, जिससे गोदावरी नदी का जो बहाव का जो जिस तरफ बह रही थी उनका जो स्थान है वो बदल गया था। ये देखिए अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए किस तरह सीढ़ियाँ देखिए टूटी फूटी हैं, रास्ते देखिए किस तरह टूटे फूटे। अभी बीच में तो इतने बंदर थे, मैं आपको दिखा नहीं पाया, और बंदर ऐसे बंदर मतलब आपका सामान कपड़े सब जो है आपका छीन रहे थे, तो हमें काफ़ी डर लगे। तो हमने मोबाइल और बैग वगैरह जो था सब इकट्ठा कर लिया था आगे। अभी सुबह के टाइम हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है बंदर दिखाई दिए, और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है अभी, क्योंकि उतने ज़्यादा देखिए श्रद्धालु अभी है नहीं। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अभी हम इन्हीं के साथ देखिए ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ता देखिए कितना जटिल रास्ता, और देखिए इस तरह देखिए पहाड़ों के अंदर से गुफाएं बनी हुई, देखिए अंदर सीढ़ियां बना रखी हैं उन्होंने, ग्रिल लगे हुए हैं। और ये जो जगह है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदर थे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। फिर हम लोग ने फैसला किया कि सब साथ में ही चढ़ेंगे। देखिए आगे और भी बता रहे हैं कि इसी तरह टूटे फूटे रास्ते हैं आगे, जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन चढ़ाई है। लगभग मैं आपको बता दूं पूरा ये जो ट्रैक है, देखिए हनुमान जी का जो मंदिर है ये भी बहुत ही सुंदर, इस तरह के आपको जो है रास्ते में और भी कई सारे जो है देवी देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर जो है पैदल ट्रैक है, जो ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत की जो चोटी है उसके ऊपर। देखिए लगभग हम जो है अभी फ़िलहाल, अब देखिए वो जो हमारा वो वाला रास्ता था, हमें लग रहा है यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, सीधी चढ़ाई है, अब हम चढ़े। कह रहे हैं मानसून के टाइम में कहते हैं कि इतना सुंदर ये पूरी, ये जो पूरी पहाड़ी है, जो पूरी चोटी है ना, पूरी बादलों से ढकी रहती है, और इतना डरावना भी कह सकते हो, और इतना सुंदर दृश्य होता है पूरा, ये जो चोटी बादलों से ढकी रहती है और बारिश होती है। आपको पता है महाराष्ट्र में मानसून के समय कितनी ज़्यादा जो है बारिश होती है। देखिए ब्रह्मगिरी ने रास्ता यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ से जो है ब्रह्मगिरी पर्वत का रास्ता है, और कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। देखिए काफ़ी लोग जो है ऐसे ही चढ़ रहे हैं, ये देखिए टॉप है ब्रह्मगिरी पर्वत का, हमें भी जो है यहीं से चढ़ते हैं हम। वीडियो में देखने में भले ही आपको उतना ज़्यादा ना लग रहा हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और नीचे देखिए पूरा जो त्र्यंबकेश्वर है देखिए पूरा दिखाई देता है यहाँ, यहीं पर जो है महादेव का, मैंने बताया 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्रिदेव, कहते हैं यहाँ पर त्रिदेवों का वास है। ये जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर त्रिदेवताओं का जो है एक साथ, आप कहते हैं कि अगर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाए तो त्रिदेवों के दर्शन होते हैं साक्षात। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। बड़ी मान्यता है इस ब्रह्मगिरी पर्वत की, और महाराष्ट्र के जो जो श्रद्धालु हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पे आते हैं। और यहाँ से देखिए ऊपर अब हम पूरी चोटी पे आ गए, और चोटी पे आने के बाद यहाँ का जो दृश्य है ये देखिए, यहाँ से ये पूरा एक सीधी चोटी जा रही है, और ठीक है देखिए ऐसा लग रहा है बादलों से ये घिरा हुआ है। ये देखिए इधर भी जो है बिल्कुल, इस पर भी देखिए काफ़ी लोग जो है वहाँ पर चढ़ रहे हैं। तो फाइनली भाई पता हम लोग कितनी हाइट पर हैं, पीछे देख लीजिए, और आपको बैक कैमरे से भाई पीछे का व्यू दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए भाई चलिए अब हम चलते हैं ब्रह्मगिरी मंदिर की तरफ, जहाँ से गोदावरी का जो है उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम तथा उनकी पत्नी अहल्या बाई ने गौ हत्या का पाप धोने के लिए इसी गुलर वृक्ष के नीचे तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया था, और उसी वरदान के फलस्वरूप शिवजी की जटा में बहने वाली गंगा ने गोदावरी रूप में यहाँ से उद्गम लिया। आजकल यहाँ पूजन की व्यवस्थाएं भी है, स्थानीय पुजारी बाल्टी से गोदावरी का जल निकालकर गाय की धातु मूर्ति का जलाभिषेक करते हैं। देखिए अभी, और यहाँ पर कुछ खास सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, देखिए सामने ठीक हमारे ब्रह्मगिरी मंदिर है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, आपको बहुत ही संभल संभल के जो उतरना पड़ेगा। चट्टाने हैं तो उन्हें तोड़ तोड़ कर देखिए रास्ता बनाया गया है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो एक दो दुकानें देखिए आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे मैगी खीरा ये सब जो आइटम आपको यहाँ पे खाने का मिलेगा। ये देखिए ब्रह्मगिरी मंदिर बिल्कुल हम आ चुके हैं और यहीं से गोदावरी का उद्गम स्थल अभी आपको दिखाएंगे। देखिए काफ़ी लोग जो है गोदावरी का जल भी जो है भरकर अपने साथ में ले जाते हैं, आपको यहाँ पर जो है गैलन भी मिल जाएगी जल ले जाने के लिए। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। मंदिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है और अंदर कुछ ज़्यादा जगह भी नहीं, देखिए बहुत ही एक छोटी सी जगह है जहाँ से श्रद्धालु घुसते हैं और अंदर जो है मंदिर के दर्शन करते हैं। देखिए एक छोटा सा है इस तरह का, देखिए बीच में ये गोदावरी का ही जल है, देखिए काफ़ी श्रद्धालु बोतलें में भरते हैं। ये देखिए लाइन लगी हुई है और एक छोटा सा द्वार है जहाँ से लोग अंदर जाके जो है दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि उद्गम स्थल से निकलकर गोदावरी जब समुद्र की तरफ चल पड़ी तब देवताओं में जो है खलबली मच गई थी, यदि गोदावरी समुद्र में जा मिलती तो इतनी बड़ी जनसंख्या का क्या होता। तभी जो है सभी देवी देवता जो है शिव जी की शरण में गए और शिव जी ने यहीं पर घुटने का बल बैठकर अपनी जटा को धरती पर पटका, जिससे गोदावरी का बहाव जो है वो बदल गया। अभी मैं आपको वो स्थान भी दिखाऊंगा जहां पर साक्षात शिव जी ने अपनी जटाओं को जो है इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर पटका था। फिलहाल आप देखेंगे तो ये लाइन लगी और ये देखिए ये मंदिर का द्वार है, देखिए कितना छोटा सा द्वार है और एक श्रद्धालु घुसता है दर्शन करता है, फिर जब तक वो श्रद्धालु बाहर नहीं आ जाएगा तब तक दूसरे श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ से देखिए गोदावरी नदी, देखिए उनका ये पवित्र देखिए जल है और श्रद्धालु इसको बोतल में भी भरकर ले जाते हैं। इधर देखिए इधर से ऐसे पूरी लाइन है। अगर आप नागपुर आते हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो है जरूर आइएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर अभी हम आपको जटा मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ महादेव ने अपनी जटाओं को जो है पटका था। तो ये देखिए ये अंदर का जो मंदिर का मुख्य द्वार के बाद देखिए ये मुख्य दर्शन है, देखिए इसी में जो है श्रद्धालु अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहीं से दर्शन करते हैं। मैं आपको पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अभी जब हम सुबह चले थे पैदल यात्रा करने के लिए तब जो है इतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं थे, लेकिन अब फिलहाल देखिए जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो है संख्या। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं जटा मंदिर। इसी मंदिर के ठीक जस्ट सामने 1 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल, आपको पैदल चलना पड़ेगा, कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है, फ्लैट बिल्कुल रास्ता है, चलते हैं। देखिए दृश्य देखिए बादलों से घिर रही है चोटी, देखिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पूजा, यहाँ पर आपको पंडित मिल जाएंगे। मैंने बताया आपको पूजा पाठ भी जो है यहाँ पर कराया जाता है, ये पूजा पाठ का स्थल है। और यहीं पर वो गूगल का वृक्ष है जहाँ से देखिए गुलर का वृक्ष है और इसी गुलर के वृक्ष के नीचे से गोदावरी का जो है उद्गम हुआ था। खाने का मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक दो दुकान है, वड़ा पाव मैगी खीरा वगैरह यही सब जो है आपको यहाँ पर खाने का मिलेगा। देखिए गैलन है, आप इसमें जो है जल भर कर ले सकते हैं। देखिए अम्मा जी की दुकान थी और इनके हाथ से हमने मैगी खाई, अम्मा ने बहुत अच्छी मैगी बनाई थी। और ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जटा मंदिर जाता है, देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, आपको कहीं भी मुड़ना नहीं है, ठीक इसी ब्रह्मगिरी मंदिर के सामने जो है महादेव का जटा मंदिर है। चलिए अब आपको मैं उस तरफ लेके चलता हूँ। अब चल रहे हैं हम देखिए जटा मंदिर की तरफ और पूरी जो ब्रह्मगिरी चोटी है देखिए धीरे धीरे बादलों से जो है घिरती जा रही है, बादल जो है चोटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरफ देखिए ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, साइड साइड में देखिए ग्रिल लगी हुई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है, तो उस तरफ बिल्कुल भी मतलब श्रद्धालु उस तरफ ना जाए, लापरवाही ना करें। प्रशासन ने देखिए ग्रिल, कहीं कहीं ये ग्रिल टूटी भी हुई है, बादल जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा जो है पानी गिरता है और काफ़ी ज़्यादा पैर भी इधर जो ब्रह्मगिरी चोटी पर जो है पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो फिलहाल अभी मौसम साफ़ है लेकिन चोटियाँ जो है बादलों से घिर रही है। चल रहे हैं हम जटा मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर भी ब्रह्मगिरी मंदिर के दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु जो है जटा मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। हम भी यहाँ पहुँच गए, देखिए महादेव जटा मंदिर और ये बहुत ही पुराना सा मंदिर है देखिए। और कहते हैं यहीं पर इसी स्थान पर शिव जी ने इस गोदावरी नदी को धरती की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। आज भी देखिए यहाँ पर यही सबसे पुराना मंदिर बना हुआ है
और कहते हैं कि गुफा नामा इस मंदिर में शिव जी के घुटने से धरती पर पड़ा हुआ निशान और उनकी जटा की चोट से धरती पर पड़े निशान की पूजा होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं साक्षात जटाओं के निशान जो है इस मंदिर के, इसीलिए इस मंदिर को जो है महादेव का जटा मंदिर कहा जाता है। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पुजारी दिखाई दिए, ये देखिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर महादेव जी ने देखिए अपनी जटाओं से जो है जटाओं को धरती पर पटक कर गोदावरी का जो है जो गोदावरी जिस तरफ बह रही थी उनका जो है उनकी दिशा परिवर्तित कर दी थी महादेव जी ने। ये देखिए बिल्कुल साफ देख सकते हैं पूरी जटाओं के निशान हैं और साक्षात कहते हैं कि ये साक्षात महादेव की ही जटाओं के निशान हैं और यहाँ पर इनकी जटाओं की जो है पूजा की जाती है। यहाँ पर देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं। कमेंट में भाई हर हर महादेव जरूर लिखेगा और मैंने आपको जैसे कि बताया ब्रह्मगिरी पर्वत पे आप जरूर आइए, ब्रह्मगिरी चोटी पर और महादेव जटा मंदिर, ब्रह्मगिरी मंदिर और त्र्यंबकेश्वर महादेव तीनों आपके दर्शन हो जाएंगे। नासिक रोड से मुश्किल से 35 से 40 किलोमीटर बसें चलती है, मैंने आपको बताया नासिक रोड से आपको डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। देख सकते हैं साक्षात जटाओं का निशान। अब देखिए हम वापस चल रहे हैं और वापस रास्ते देख सकते हैं आप किस तरह सीढ़ियाँ खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई ग्रिल लगी हुई और ग्रिल पकड़ कर ही चढ़े और ग्रिल पकड़ कर ही जो है भाई आपको नीचे उतरना है, ध्यान रखना है पानी है सीढ़ियों पर, पैर ना बिल्कुल भी स्लिप हो वरना आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चोट लग जाएगी। बंदरों ने भी जो है यहाँ पर आतंक मचा रखा है। फिलहाल अभी जाते वक्त तो हमें उतने ज़्यादा बंदर नहीं दिखाई दे रहे, महिला श्रद्धालु देखेंगे आप यहाँ से उतरें। चलिए हम भी नीचे की तरफ चलते हैं, फटाफट उतरते हैं। देख सकते हैं अभी बिना बारिश के मौसम में यहाँ मतलब सारी सीढ़ियाँ गीली है और बहुत ही ज़्यादा चोटी है और वहाँ से जो दृश्य है मैंने आपको दिखाया बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई देता है। और बारिश के समय में जो कहते हैं ये पूरी चोटी जो है पूरी गीली हो जाती है और पूरी बादलों से जो है ढक जाती है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाकी ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। चलिए हम भी नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं आराम से। हर हर महादेव, जय भोले शंकर की।